तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी वीडियो। तो दोस्तों, इंटर रिजल्ट को लेकर फिर से एक बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है यहाँ पर बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से फिर से इंटर रिजल्ट को लेकर महा खुशखबरी है दोस्तों। कब जारी होगा इंटर का रिजल्ट दोस्तों? आज होगा कि कल होगा कि 26 मार्च तक जारी होगा दोस्तों? वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इंटर रिजल्ट से लेकर पल पल के अपडेट आपको मिल सके इस चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं के कॉपी मूल्यांकन पूरा हो गया है। ऐसे में जल्द परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावना बताई जा रही है। तो कब तक जारी हो जाएगी दोस्तों, किस टाइम पर जारी हो, किस वेबसाइट पर, पूरा वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं का कॉपी मूल्यांकन की तारीख 15 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसके बढ़ाकर 17 मार्च 2021 फिर 19 मार्च तक कर दिया गया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं की कॉपी मूल्यांकन पूरा होने के बाद 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। तो मूल्यांकन दोस्तों पूरा हो चुका है 12वीं का। और देखिए, यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट बताया गया है कि बीएससी की आधिकारिक वेबसाइट 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। और दोस्तों, यह कब जारी किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट किस वेबसाइट पर जो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी पर। उसके बाद देखिए दूसरा वेबसाइट यहाँ बताया गया है ऑनलाइन बी एस ई बी डॉट इन पर। तीसरा है बिहार बोर्ड डॉट ए सी डॉट इन पर। और चौथा है बिहार बोर्ड डॉट ऑनलाइन पर अपना परिणाम देख सकेंगे दोस्तों। और ये जल्द ही जारी किया जाएगा दोस्तों। आप लोग 26 मार्च देख सकते हैं, 26 मार्च से पहले आप लोग वेट 26 मार्च तक वेट करिए। 26 मार्च से पहले किसी दिन जारी हो सकता है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट। इसलिए रोल नंबर तैयार रखिए अपना निकाल कर दोस्तों, और मिठाई भी तैयार रखिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको बिहार बोर्ड से लेटेस्ट खबर पल पल की अपडेट मिलती रहे हमारे चैनल पर।